हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद में पूरा प्रैक्टिस सेट का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगा कि 1.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स का रेशियो जो होता है एरियाज का, उसके बारे में है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। हमें मालूम है कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये हम सभी को मालूम है। बस इतना सा यूज करके हमें रेशियोज निकालना है। समझो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने का है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर, जो कि उसका बेस है, इंटू हाइट, दैट इज पी एस। दो ट्रायंगल्स का एरिया अगर हमें लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नाउ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो उसका आंसर आएगा दैट इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी अपॉन हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड करते एक का एरिया डिवाइडेड बाय दूसरे का एरिया। अभी अगर इस यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे तो हाफ हाफ विल गेट कैंसल्ड, हाफ हाफ कैंसल्ड हो जाएगा, तो एरिया आएगा बी सी इंटू ए बी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। तो सिंपली हम लोग बता सकते हैं कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अगर हमें लिखना है कि रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दैट इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ बी सी इंटू ए बी, दैट इज बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय क्यू आर इंटू पी एस, दैट इज बेस इंटू हाइट। तो बस करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन होता है, उनका जो रेशियो होता है वही होता है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। बहुत ही ईजी है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें बारीकी से समझनी है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर बेस इक्वल रहेगा तो, या अगर हाइट इक्वल रहेगी तो, या अगर बेस एंड हाइट दोनों इक्वल रहेंगे तो हमें क्या करना है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि जो पहले का बेस है वो बी वन होगा और हाइट एच वन होगी, हम लोग एज्यूम करते हैं। दूसरे का बेस जो है वो बी टू होगा और हाइट एच टू होगी। फर्स्ट ट्रायंगल की बेस बी वन हाइट एच वन, दूसरे का बेस बी टू हाइट एच टू, अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं तो। अभी जब हम लोग एरिया लिखेंगे दोनों का, रेशियो ऑफ एरिया लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बेस हाइट लिख सकते हैं। अभी कंसीडर करते हैं कि अगर दोनों का बेस इक्वल रहेगा तो, और अगर दोनों की हाइट इक्वल रहेगा तो क्या हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। वेरी सिंपल है, हम लोग लिख सकते हैं बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अभी यहाँ पे तीन कंडीशंस है जो हमें बारीकी से समझनी है। कंसीडर, अगर दोनों का बेस इक्वल रहेगा, बेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू बेस ऑफ पी क्यू आर, अगर ऐसा रहेगा तो, बेस अगर इक्वल रहेगा तो हम लोग लिख सकते बी बी, क्योंकि बेस इक्वल रहेगा तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो हम लोग लिख सकते बी इज इक्वल टू बी। तो अगर बेस इक्वल रहेगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू एच वन अपॉन
बी इंटू एच टू। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि दोनों का बेस है वो बी है, इक्वल है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अभी यहां पे क्या हो जाएगा, तो बेस बेस विल गेट कैंसल्ड, तो रेशियो आएगा एच वन अपॉन एच टू। बारीकी से समझेंगे, अभी यहां पे रेशियो आया एच वन अपॉन एच टू, तो अगर बेस इक्वल रहेगा तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। उनके हाइट्स का जो रेशियो आएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट्स का, वो उन दो ट्रायंगल्स का रेशियो आएगा। वेरी सिंपल है, अगर बेस इक्वल हुआ तो रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। अभी हमने यहां पे देखा कि अगर बेस इक्वल रहेगा तो कंसिडर करो कि बेस इक्वल नहीं है और हाइट इक्वल है। अभी यहां पे बी वन बी टू है लेकिन हाइट इक्वल है, एच एच, दोनों का हाइट सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बी वन बी टू लिखेंगे, बी वन इंटू एच और बी टू इंटू एच। हमने क्या किया, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, लेकिन यहां पे हाइट इक्वल है तो दोनों जगह पे हमने लिखा एच अपॉन एच। अभी एच एच विल गेट कैंसल्ड, तो हमारा रेशियो आया बी वन अपॉन बी टू। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इफ द हाइट इज इक्वल द रेशियो विल बी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। उनके बेसिस का जो रेशियो आएगा वही उनके एरियाज का रेशियो आएगा। अगर बेस इक्वल रहेगी तो हाइट डिसाइड करेगी, और अगर हाइट इक्वल रहेगी तो बेस डिसाइड करेगी। कंसिडर कि दोनों का बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी बी और यहां पे एच एच। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो हम लोग लिखेंगे बी इंटू एच अपॉन बी इंटू एच और सब कैंसल्ड हो जाएगा, तो रेशियो आएगा वन इज टू वन, दैट इक्वल टू वन अपॉन वन, दैट इक्वल्स टू वन इज टू वन। तो अगर बेस भी इक्वल रहेगी और हाइट भी इक्वल रहेगी किसी भी दो ट्राइंगल्स की, तो उनका रेशियो आएगा वन इज टू वन। इसका मतलब है उनका रेशियो इक्वल रहेगा। तो इतनी ही कंसेप्ट है हमें ध्यान में रखना है, तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इफ बेस इज इक्वल देन रेशियो विल बी हाइट अपॉन हाइट, इफ हाइट इज इक्वल रेशियो विल बी बेस अपॉन बेस, एंड इफ बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल देन रेशियो विल बी वन इज टू वन। तो बस इतना ध्यान में रखना है और इसके ऊपर से हम लोग सम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर वन। दो ट्रायंगल्स है, एक का बेस 9 है हाइट 5 है, दूसरे का बेस 10 है हाइट 6 है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। बहुत ही इजी है, हमें दिया है बेस और हाइट दोनों का, तो हमें मालूम है। हमने क्या किया, अज्यूम किया लेट फर्स्ट ट्रायंगल बी ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल बी पी क्यू आर। हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर करेंगे, दैट इज बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। हमने सीखा है कि जो रेशियो ऑफ एरियाज रहता है दैट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, तो वही लिखना है हमें। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, दैट इज बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। तो वैल्यूज हमारे पास है 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6 हम लोग लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसे तो 5 वन जा 5 टू जा 3 टू जा 3 थ्री जा, तो हमको आंसर मिलेगा 3 अपॉन 4। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 3:4, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बहुत ही इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, बस हमने जो मैंने आपको बताया कि जो 3 पार्ट है कंसेप्ट के, वो ध्यान से देखने समझ लेना है। अगर बेस इक्वल है तो क्या करना है, हाइट इक्वल है तो क्या करना है, और रेशियो ऑफ एरियाज के लिए
कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बस इतना ध्यान में रखना है तो सभी समाहार हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में है एक डायग्राम दी हुई है, हमें एक डायग्राम देके रखिए। अभी यहाँ पे लिखा है बीसी परपेंडिकुलर टू ए बी, बीसी परपेंडिकुलर टू ए बी, एडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बीसी इज इक्वल टू 4 और एडी इज इक्वल टू 8, ये हमें दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। तो एबीसी अपॉन एडीबी जो दो ट्रायंगल्स है उनके एरियाज को हमें फाइंड करना है, दैट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा वही यूज करना है। हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू, हमें क्या लिखना है, बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे बेस सेम है, दैट इज ए बी, दोनों ट्रायंगल में बेस है ए बी। तो हमने देखा था कि जब भी बेस इक्वल रहेगी तो एरिया जो रेशियो जो रहेगा वो क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन ए डी। अगर हम लोग ए बी लिख भी लेते थे तो क्या हो जाता था, कैंसल हो जाता था। तो ध्यान में रखना है कि बेस इक्वल रहेगा तो हमें सिर्फ हाइट्स लिखनी है रेशियो में। लेकिन इसका हमें रीजन लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, इक्वल है, इसलिए हमने सिर्फ हाइट को लिखा है। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू 4 एंड ए डी इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करेंगे, 4 वन जा एंड 4 टू जा, हमें आंसर मिल चुका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2। बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि बस आपको बेसिक कंसेप्ट पे काम करना है, बेसिक कंसेप्ट को समझ के लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम के ऊपर से हमें क्यूटी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है पीएस इज परपेंडिकुलर टू आरएस, क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू पीआर, आरक्यू इज इक्वल टू 6, पीएस इज इक्वल टू 6, पीआर इज 12, क्यूटी हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन। तो ध्यान में रखना है कि हर ट्रायंगल को 3 बेसिस और 3 हाइट्स होती है, ये हमें ध्यान में रखना है कि जो नीचे का साइड है वही बेस है, बॉटम का साइड है वही बेस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रायंगल्स को 3 बेस होते हैं, 3 हाइट होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हमें ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया लिखना है तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 इंटू, ये अगर हम लोग बेस लेते हैं क्यू आर, देन पी एस इज द हाइट, अगर इसको बेस लेते हैं तो पी एस हो जाएगी हाइट। वैसे ही अगर हम ये बेस ले लेते हैं पी आर को तो टी क्यू हो जाएगी हमारी हाइट, ये हमें ठीक से समझ लेना है। तो या तो उसका एरिया हो सकता है 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एस बेस इंटू हाइट, या तो उसका एरिया हो सकता है 1/2 इंटू पी आर इंटू क्यू टी, ये बेस रहेगा तो ये हाइट रहेगी, ये बेस रहेगा तो ये हाइट रहेगी, समझ लेना है। अभी ये स्टेटमेंट हमारा 1 हुआ, ये स्टेटमेंट हमारा 2 हुआ, इसके ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, सो 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर इंटू क्यू टी। तो इसके ऊपर से हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो 1/2 कैंसल हो जाएगा। अभी इसके ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर इंटू पी एस इज इक्वल टू पी आर इंटू क्यू टी। अभी क्यू आर इंटू पी एस इज इक्वल टू पी आर इंटू क्यू टी हमने लिखा। अभी बस हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, क्यू आर इज इक्वल टू हमारे पास है, क्यू आर इज इक्वल टू 6 इंटू पी एस इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 12 इंटू क्यू टी का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे इंटू क्यू टी, सॉल्व करेंगे, सो 36 अपॉन 12 इज इक्वल टू क्यू टी।
सॉल्व करेंगे QT इज इक्वल टू 3। तो बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बेसिक कंसेप्ट ठीक से समझ लेना है और हम लोग सभी सम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड एडी पैरेलल टू बीसी, एडी इज पैरेलल टू बीसी एंड एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी दिया हुआ है, देखे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी। तो ये और ये दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें निकालना है। तो अगर हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एबीसी का जो बेस है, ए बी सी का बेस है, तो बेस इज बीसी। अगर हम लोग बीसी बेस समझ लेते तो जो बीसीडी है, बी सी डी, उसका भी बेस है बीसी और एडी पैरेलल बीसी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि एपी इज द कॉमन हाइट, क्योंकि एबीसी की हाइट आएगी एपी और बीसीडी की हाइट आएगी एपी। तो दोनों ट्रायंगल्स की हाइट जो है वो एपी है और दोनों ट्रायंगल्स का बेस जो है वो बीसी है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू 1:1। ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो हमें याद होना चाहिए, हमें पता चाहिए जो हमें लिखना है रीजन में, एज ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस, दोनों का हाइट और बेस इक्वल है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया क्या रहेगा, रेशियो ऑफ एरिया रहेगा 1:1। तो बस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना है और इजीली हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हमें डायग्राम देके रखा है और डायग्राम के ऊपर से हमें ये जो चार रेशियोज है फाइंड करने हैं। तो बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हमें देखना है, हमें डायग्राम में दिया गया है दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बस इतना दिया हुआ है। इसके ऊपर से हमें ये सभी रेशियोज फाइंड करने हैं। अभी हम लोग देखेंगे, पहला रेशियो है ट्रायंगल पी क्यू बी एंड पी बी सी। तो ट्रायंगल देखेंगे पी क्यू बी एंड पी बी सी। अभी ट्रायंगल देखने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या इनमें कोई चीज कॉमन है, तो हम लोग देखेंगे तो पी बी पी क्यू बी और पी बी सी में जो पी क्यू है हाइट, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है, दैट इज कॉमन है, वो है पी क्यू। तो अगर हाइट कॉमन रहेगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, उनकी बेस लिखेंगे। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस, करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पी क्यू बी का हाइट जो है पी क्यू, तो हमें हाइट नहीं लिखना है, बेस लिखना है, तो बी क्यू लिखेंगे हम लोग अपॉन पी बी सी का बेस लिखेंगे, पी बी सी का बेस है बी सी, लेकिन इसके लिए हमें रीजन लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट और इक्वल हाइट, आप लिख सकते हैं इक्वल हाइट या कॉमन हाइट। तो अगर हाइट इक्वल रहेगी तो रेशियो इज रेशियो ऑफ देयर बेस। अभी यहां पे देखेंगे पीबीसी एबीसी, पीबीसी एबीसी दोनों जगह पे बेस है बीसी, बीसी इज द बेस दोनों जगह पे, लेकिन हाइट दोनों जगह पे अलग है। तो हाइट क्या है, पी क्यू एंड ए डी, ए बी सी की हाइट है ए डी और पी बी सी की हाइट है पी क्यू। तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू अपॉन ए डी, रीजन लिखना है ट्रायंगल्स विथ
कॉमन बेस। ध्यान में रखना है, बहुत ही इजीली हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी बाहट नहीं करना है, बस समझ लेना है। अभी थर्ड देखेंगे, एबीसी एडीसी, एबीसी एडीसी दोनों में हाइट है एडी, एबीसी का भी हाइट है एडी और एडीसी का भी हाइट है एडी, तो हम लोग रीजन लिखेंगे ट्रायंगल विथ कॉमन हाइट, और उनका बेस लिखेंगे तो एबीसी का बेस है बीसी और एडीसी का बेस है डीसी। बस यही रीजन आपको कॉपी करना है, ट्रायंगल विथ कॉमन हाइट, दोनों का हाइट इक्वल है और यही रीजन आपको लिखना है। और लास्ट का देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी एंड पीक्यूसी, एडीसी एंड पीक्यूसी दोनों में ना तो बेस कॉमन है ना तो हाइट कॉमन है। ध्यान में रखना है, दोनों ट्रायंगल में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब दोनों ट्रायंगल में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो हम लोग लिखेंगे जो पहली चीज हम कॉन्सेप्ट में सीखे थे, बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। तो बस हमें बेस इनटू हाइट लिखना है, एडीसी का बेस है, एडीसी का बेस है डीसी और हाइट है एडी, अपॉन पीक्यूसी का बेस है क्यूसी और हाइट है पीक्यू। तो बहुत इजीली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पूरा एक्सरसाइज बहुत ही इजी था। तो सभी एक्सरसाइज है हम लोग इसी तरह से पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, बाद में एक्सरसाइज में सॉल्व करके समझा के लिखने की कोशिश करूँगा। आपको कॉन्सेप्ट बार बार देखना है, उसके बाद में सम्स की ओर जाना है, सम्स सॉल्व करने। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।